ईद पर रिलीज नहीं हो पाएगी सलमान खान की फिल्म राधे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक राधे का फाइनल शेड्यूल अभी पूरा होना बाकी है। जब हालात सामान्य होंगे तभी फिल्म का शूट पूरा हो पाएगा। दूसरी तरफ सलमान खान से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया कि फिल्म का शूट पहले ही खत्म होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से थाईलैंड शूट कैंसिल करना पड़ा। इसे मुंबई में शिफ्ट किया गया। आखिर में 8-10 दिन का शूट बचा था। इसमें पैचवर्क सलमान दिशा का सॉन्ग शामिल था, लेकिन तभी ऐलान हुआ कि 19 मार्च से कोई शूटिंग नहीं होगी। फिर 24 मार्च को पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इससे सलमान की फिल्म का काम अधूरा रह गया। क्या करिश्मा तन्ना बनने वाली है खतरों के खिलाड़ी 10 की विनर? टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इंद्र और रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 10 में नजर आ रही हैं। आजकल करिश्मा तन्ना को करण पटेल, तेजस्वी प्रकाश, शिविन नारंग, धर्मेश येलंडे और बाकी लोगों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस शो में अगर करिश्मा तन्ना अपने हर एक टास्क को बखूबी करते नजर आ रही हैं। इसी बात को लेकर उनके कई दफ़ा रोहित शेट्टी से तारीफ भी मिल चुकी है। ऐसे में अगर करिश्मा तन्ना इस शो की विजेता के रूप में उभर कर सामने आती हैं तो उनके फैंस के लिए ये चौंकाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। आशा भोसले ने लोगों से की अपील, कहा हर नागरिक पीएम केयर फंड में 100 रुपये दान करें। देश की मशहूर गायिका आशा भोसले ने भी लोगों से मदद करने की अपील की है। उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ नहीं तो लोगों को सिर्फ 100 रुपये की ही मदद करनी चाहिए। पीएम केयर फंड में दान करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर देश के 130 करोड़ लोग ऐसा करेंगे तो कुल मिलाकर राशि 13,000 करोड़ हो जाएगी। इससे मदद में काफ़ी सहायता मिलेगी। भूमि पेड़ेकर ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों को दी सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ। भूमि पेड़ेकर अवध आश्रम का सपोर्ट करती रही हैं। ये वो बीते सालों में कई बार विजिट कर चुकी हैं, साथ ही यहाँ टॉयलेट और हॉस्टल भी बनवाने में मदद कर चुकी हैं। वहीं अब कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के समय में भूमि ने एक बार फिर यहाँ के बच्चे के साथ वीडियो कॉल पर समय बिताया और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग क्लास लेकर इसका मतलब समझाया। लॉकडाउन की वजह से गांव में फंसी एक्ट्रेस रतन राजपूत, ना नहाने को बाथरूम ना देखने को टीवी, 21 दिनों का लॉकडाउन में हैं। ऐसे में किसी के कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। सेलिब्रिटी भी अपने घर में कैद हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत अपने गाँव में फंसी हुई हैं। रतन राजपूत वहाँ के हालात के अपने वीडियो शेयर करती रहती हैं। रतन के गांव में सुविधाएं कम हैं। उन्होंने बताया कि टीवी नहीं होने की वजह से वो न्यूज़ और बाकी खबरों से कट गई हैं। रतन ने वीडियो शेयर कर बताया कि जिस घर में वो रह रही हैं वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। प्रोड्यूसर करीम मोरानी की दूसरी बेटी जुआ भी कोरोना पॉजिटिव। बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी की पहली बेटी साजा मोरानी के बाद अब उनकी दूसरी बेटी जोआ मोरानी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के अनुसार अब उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। सोमवार सुबह पहले करीम मोरानी की बेटी साजा मोरानी को मुंबई के नानावटी अस्पताल में टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दोपहर बाद उनकी दूसरी बेटी जोआ मोरानी को भी इसी अस्पताल लाया गया था। अब ऐसी सूचना मिली है कि उनकी दोनों बेटियाँ कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के लिए आगे आए अर्जुन कपूर। बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने देश में कोरोना वायरस से उपजे संकट से निजात पाने के लिए जूझ रही कई परोपकारी संस्थाओं को दान दिया है और उनके प्रशंसकों को भी ऐसा करना चाहिए। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति पीएम केयर्स राहत कोष के अलावा गिव इंडिया नामक संगठन को दान दिया है। सोशल मीडिया पर छाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सोशल डिस्टेंसिंग। नागपुर पुलिस ने किया मजेदार ट्वीट। नागपुर पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की एक फिल्म की मदद लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की है। ट्विटर पर शाहरुख और दीपिका की हिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का एक पोस्टर नागपुर पुलिस ने अपलोड किया है। इस पोस्टर में दीपिका और शाहरुख एक बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों एक बेंच पर होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं। पुलिस द्वारा पोस्ट किए गए इस पोस्टर पर दोनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग लिखा हुआ है। कोरोना से लड़ने को पूरा बॉलीवुड साथ लाया अक्षय कुमार, मुस्कुराए इंडिया। भारत में तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पैदा हुए डर के माहौल को हल्का करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्माता निर्देशक प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने मिलकर एक गाना बनाया है। इसमें बॉलीवुड के मौजूदा दौर के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार की पहल पर बनाए गए इस वीडियो सॉन्ग को सुनकर आंखें भर सकती हैं।
बॉलीवुड एक्टर ने नफरत फैलाने वालों पर साधा निशाना। कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन भारत में फैलता जा रहा है। जितना देश में कोरोना वायरस अपना कहर बरसा रहा है, उतना ही लोग सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में कुछ फोटो शेयर किए हैं जिनमें लोग धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सुशांत सिंह ने ट्विटर पर उन लोगों को जमकर फटकार लगाई।